कितना अच्छा होता ना कि एक हफ्ते में ही हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए, बालों का झड़ना रुक जाए, बालों की लंबाई बढ़ने लगे और साथ ही साथ बालों में घनापन और कालापन आने लगे और इसका रिजल्ट हमें एक सप्ताह में ही दिखने लगे। तो ये पॉसिबल है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसा चैलेंज लेकर आई हूँ जो कि आपके बालों को झड़ने से तुरंत ही रोक देगा। बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे यदि मेरे बताए तरीके से आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ लेना है दोस्तों एलोवेरा। आपको बाज़ार वाले केमिकल वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बालों के लिए और स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। 100% प्योर जेल होता है ये, प्लांट बेस्ड जो जेल होता है दोस्तों, या पौधे की ताज़ी पत्तियों से जो जेल निकालते हैं हम, वो 100% प्योर होता है जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है। पत्तियों को काट लीजिए पौधे में से, उसके बाद इन्हें धो लीजिए, थोड़ी देर खड़ा करके रखिए, पोंछ लीजिए, फिर इस्तेमाल करें ताकि इसका येलो सब्सटेंस निकल जाए। ग्वारपाठा, ध्रुत कुमारी, पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल किया आता जा रहा है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो एलोवेरा होता है ये हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है, नए बालों को उगाने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण रूसी की समस्या, डैंड्रफ की समस्या को दूर करता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एलोवेरा की पत्तियों को 20 से 2 हिस्से कर लिए हैं और चम्मच की सहायता से सारा जेल निकाल लेना है। बाल ज़्यादा लंबे हैं तो 3 से 4 पत्तियों का इस्तेमाल करना है, बाल छोटे हैं तो 2 पत्तियाँ भी काफ़ी है। ये जेल ऐसा है दोस्तों जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, सभी उम्र वाले एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह के बालों को सूट करता है। आपके बाल बहुत ऑयली हैं, ड्राई हैं, तो भी आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार इस औषधि को, इस मेडिसिन को आप ज़रूर लगाएं। इसे आयुर्वेद में एक औषधि कहा गया है। यहाँ पर मैं सारी पत्तियों के जेल को इस तरह से निकाल लूँगी और इसके ब्लेंड करते समय आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है, विटामिन B1 होता है, विटामिन C होता है और सबसे ज़्यादा इसमें होता है विटामिन E। तभी तो हमारे स्किन और बाल दोनों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। हम लोग तो विटामिन E ऑयल के कैप्सूल लगाते हैं बालों पर, चेहरे पर लगाते हैं बहुत से पैक में मिलाकर, तो क्यों ना हम नेचुरल विटामिन C का, नेचुरल विटामिन E का इस्तेमाल करें इस एलोवेरा के रूप में। जिनके पास टाइम नहीं है वे लोग एक पत्ती को काटें, 20 से 2 हिस्से करें, डायरेक्ट इस पत्ती को अपने स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करते हुए लगा लें। जो जेल नहीं निकाल पाते हैं, जो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, परंतु बालों की तो केयर करना है। जब हम बालों की केयर नहीं करते हैं हमारे बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, बाल हमारे पतले होने लगते हैं, झड़ने लग जाते हैं। बालों को अच्छे नरिशमेंट की, पोषण की ज़रूरत होती है, इससे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। एलोवेरा में ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। यहाँ पर चम्मच की सहायता से सारे जेल को निकालती जा रही हूँ ये देखें, और ये एलोवेरा जो है, अगर आपने ज़्यादा जेल निकाल दिया है तो आप इसे फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 दिन का, ज़्यादा नहीं। घर पर एलोवेरा का पौधा जरूर लगाएं। इसे ग्राइंड करते समय आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसमें अपने आप में इतना वाटर कंटेंट होता है दोस्तों, इतना जूसी होता है ये कि आसानी से ये ब्लेंड हो जाता है। ये देखें, इस तरह से आपको इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, उसके बाद बालों की जड़ों पर लगाना है। परंतु लगाने से पहले हम कुछ चीज़ें ऐसे मिलाएंगे जो कि आपके बालों की जड़ों को और भी मजबूत बना दे। एलोवेरा आपके हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिससे हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, प्री मैचर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करता है। जब बालों को इतने अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे तो बाल सफ़ेद क्यों होंगे, उम्र आने पर ही सफ़ेद होंगे। हाँ, हमारी उम्र हो गई, मैं खुद 55 साल की हूँ, 58 ईयर की होने आई हूँ। 55 साल के बाद, 55 ईयर के बाद बाल सफ़ेद होना एक नॉर्मल बात है। मेरे केवल कुछ बाल ही सफ़ेद हैं, आप लोगों ने कई वीडियो में देखा है। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। आजकल लोग बालों में तेल नहीं लगाते या बहुत कम तेल लगाते हैं, तेल की कमी ड्राइनेस के कारण भी हमें हेयर फॉल होता है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, इसे हम लोग अंडी का तेल कहते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से, मेडिकल स्टोर से कैस्टर ऑयल लेकर आएं, 50 रुपये की ये बॉटल है, केवल 1 चम्मच इसे डालना है। ज़्यादा कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये इतना गाढ़ा होता है कि डायरेक्ट कभी नहीं लगाते हैं। कैस्टर ऑयल में कोई भी दूसरा तेल मिलाकर, ऑयल मिलाकर ही लगाया जाता है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए और फिर आप मसाज करते हुए लगाएं।
ये शुद्ध एलोवेरा जेल है दोस्तों, जो कि 100% प्योर है। सभी उम्र वाले लगाएं इसे, और इसे लगाकर आधे घंटे रखना। सप्ताह में दो बार हम लोग हेयर वॉश करते हैं। हेयर वॉश करने के आधा घंटे पहले इस जेल को पूरे जड़ों पर लगाना है। बचे तो लंबाई पर लगाइए, सबसे मेन मकसद है हमारे हेयर सेल में, स्कैल्प पर इसे लगाना। थोड़ा थोड़ा सा उंगलियों में लेते जाना है, हल्के हाथों से मसाज करें, हल्के हाथों से मसाज या प्रेस करते हुए लगाएं। ज़्यादा ताकत बालों पर नहीं लगाई जाती है। और उसके बाद आप लोग आधे घंटे के बाद शैम्पू भी कर सकते हैं, चाहें तो कर सकते हैं। एलोवेरा आपके बालों के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है, बालों में वॉल्यूम ऐड करता है, बालों में एक नेचुरल शाइन लेकर आता है। जब भी मेरी बेटी को टाइम नहीं मिलता है तो वो डायरेक्ट इस तरह से एलोवेरा की दो पत्तियों को काटती है, 20 से दो हिस्से करने के बाद डायरेक्ट स्कैल्प पर लगा लेती है। आधे घंटे लगा कर रखें, आधे घंटे आप घर का कोई काम करें, मोबाइल पे करें, पढ़ाई कर लें, जो जिसके पास जैसा टाइम है वैसा, ताकि बाल अच्छे हो सके। बालों की लंबाई पर भी आप इसे लगाएं, तभी तो बालों में बहुत अच्छी चमक आएगी। आप चाहें तो इसी पत्ती में थोड़ा सा नारियल तेल या कैस्टर ऑयल मिलाकर भी लगा सकते हैं। अगर टाइम है तो पूरा जेल निकालिए, अच्छे से इसे ब्लेंड करिए, उसके बाद आप इसमें नारियल तेल कैस्टर ऑयल मिलाकर लगाएं। अलग से बालों में तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तेल की मालिश एक ऐसी चीज़ है जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है, बाल हमारे मजबूत होते हैं। तो बालों में तेल जरूर लगाएं। अगर जो लोग नहीं लगा पाते हैं, वे एलोवेरा में डायरेक्ट नारियल का तेल कैस्टर ऑयल मिलाकर लगाएं। कैस्टर ऑयल जो होता है वो गंजे के सिर पर भी बाल उगा देता है, कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है, नए बालों को उगाने में मदद करता है। आपके न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी दोस्तों, ये इतना फ़ायदेमंद होता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण रूसी और डैंड्रफ की समस्या भी दूर करता है एलोवेरा ग्वारपाठा धृतकुमारी। इसीलिए तो कई औषधि को बनाने में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो एलोवेरा का पाउडर भी आने लगा है, परंतु कोशिश करें ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल करें। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन सूखे पाउडर के बजाय। ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें, हल्के हाथों से इसे प्रेस करें, ताकि सारे बालों की जड़ों को इतना अच्छा नरिशमेंट मिले। जड़ें स्ट्रांग होंगी, बालों का गिरना रुकेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी। दोस्तों एक कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं, आप अपना नाम लिखें और जगह का नाम लिखें, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं, आपका नाम अनाउंस कर सकूं मेरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।